फिलहाल मैं आ चुका हूँ बेलग्रेड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। इस बार कुछ अलग करने का मन था तो सोचा कि कार रेंट कर लेता हूँ। कार रेंट करना बड़ा सस्ता है यहाँ पर। लाइसेंस, पासपोर्ट और क्रेडिट कार्ड लिया अभी तक? और फिर कोई भरोसा नहीं उसने मुझे, फिर टर्म्स एंड कंडीशन बताई तो मुझे कहीं ना कहीं खटका हो गया था कि बाद में कुछ ना कुछ स्कैम होने के चांसेस। इंडियन पासपोर्ट पहले यहाँ पर थोड़ा हेट है इंडियन पासपोर्ट के प्रति। तो बाजी ना बस्ता में आप सभी का स्वागत है। ना आउटर पर की बॉस्निया यहाँ से बस एक रिवर दूर है। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रॉम बेलग्रेड। और फिलहाल मैं आ चुका हूँ बेलग्रेड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। अब लोग सोच रहे होंगे कि दो दिन पहले तो आए ही अभी और एयरपोर्ट पर क्या करने आया। तो इस बार कुछ अलग करने का मन था तो सोचा कि कार रेंट कर लेता हूँ। कार रेंट करना बड़ा सस्ता है यहाँ पर, तो मैंने कार रेंट करी है करीबन 5-6 दिन के लिए। और ज़्यादातर कार रेंटल कंपनियाँ एयरपोर्ट पर ही मिलेंगी क्योंकि लोग डायरेक्ट फ्लाइट से आते हैं और यहीं से कार रेंट करके निकल जाते हैं। तो ज़्यादातर देशों में, तमाम देशों में आपको कार रेंटल का एयरपोर्ट पर ही मिलेगा। और फिलहाल मैं उसी ओर वॉक कर रहा हूँ। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग दिख रहा है अभी कि कहाँ से जाना है। और देखते हैं कैसी क्या प्रोसीजर रहती है कार रेंटल की, यहाँ पर क्या क्या चेक करते हैं वो, क्या क्या लफड़े आते हैं, जो भी है जैसा भी है वो मैं आपको इस वीडियो में बता ही दूंगा। तो वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, ट्रैवल विद अनुज की एक और शानदार धमाकेदार और बेहतरीन वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो एयरपोर्ट के अंदर तो आ गया हूँ पर अभी मेरी कार रेंटल कंपनी को ढूंढ रहा हूँ। अवीस करके नाम है उसका, AVIS। तो मैप पर तो लोकेशन एयरपोर्ट के अंदर बता रहा था पर फिर मैंने पता करा तो सारी कार रेंटल कंपनियां यहां पर बाहर हैं। और मुझे बोर्ड भी दिख रहा है मेरी कंपनी का वहां पर, अवीस करके कंपनी है। एंड ऑल्सो आई नीड टू परचेज द इंश्योरेंस। तो यहां पर आ गया हूं और लाइसेंस, पासपोर्ट और क्रेडिट कार्ड लिया अभी तक। व्हाट इज इट? ओके, विदाउट? या ओके, नो इश्यूज। मी But everything is insured, right? And how much are you charging on my card now? 500 euros? Can you tell me all the prices and the insurance and the deposit and everything? Final price with everything. Why? The insurance for the car. How much for the insurance? Well, sir, you know what is your basic price for the car? No, it's 10 per day for the car, right? $10 per day? It's 15. 60 euros is the price for reservation. 20 you will have free payments. What? 500 euros covering. And without the coverage? No, without the insurance. If I don't take the insurance coverage. For deposit, oh. So with insurance, I'm just like taking down the deposit. Is there any cheaper insurance? Okay. So you are charging like 20 per day for the insurance. Who you are? Boss did you? And if I just do it for 3 days, 500 I will get it back after I return the car. Okay, let me think about it. Give me a minute. Yeah, I'll come back. तो पिछला जो आपने सीन देखा, मैं एयरपोर्ट पर कार रेंट करने की कोशिश कर रहा था, नहीं कर पाया उसके बाद क्योंकि वो बहुत एकदम 240 यूरो की पड़ रही थी इंश्योरेंस मिला के सब। फिर मैंने आसपास जितने भी काउंटर्स थे वहाँ पर उनसे पूछा कि सबके रेट पता लगे, तो 120 यूरो में मुझे सबसे सस्ता 4 दिन के लिए रेंट के लिए मिल रही थी। और जो मैंने ऑनलाइन बुक करी थी वो थी 107 की 6 दिन की, पर उसमें इंश्योरेंस नहीं था। मैंने सोचा कि इंश्योरेंस मिल जाएगा, कुछ ज़्यादा खास महंगा नहीं होगा, पर इंश्योरेंस मिला के वो 240 यूरो हो गई थी। तो इतना महंगा तो मैं दे नहीं सकता था, तो फिर मैंने उसको तो मना कर दिया कि मुझे नहीं चाहिए ये। और फिर मैंने आसपास पता लगा तो 120 में मुझे सबसे सस्ता मिल रहा था। फिर 120 वाले से फाइनल कर लिया मैंने कि चलो कर ही लेते हैं, अब आ ही गए हैं, कुछ प्लान था नहीं। तो फिर 120 यूरो वाले से बात करी तो फिर लफड़ा ये फंसा कि वो डिपॉजिट बहुत ज़्यादा मांग रहा था। वो 700 यूरो डिपॉजिट मांग रहा था मुझसे, जो कि जब मैं कार वापस करता तब मिलता। तो इतने पैसे तो है नहीं मेरे पास कि मैं 700 यूरो दे दूँ उसको। और फिर कोई भरोसा नहीं उसने मुझे, फिर टर्म्स एंड कंडीशन बताई कि अंदर कुछ डैमेज हुआ तो वो इंश्योरेंस में कवर नहीं है, नीचे से कुछ डैमेज हुआ तो वो इंश्योरेंस कवर नहीं है। तो मुझे कहीं ना कहीं खटका हो गया था कि बाद में कुछ ना कुछ स्कैम होने के चांसेस बहुत
ज़्यादा लग रहे हैं मुझे, तो फिर मैंने उस प्लान को कैंसिल ही कर दिया। और एक और लफड़ा बस रहा था कि आपके आपको खुद के ही नाम का क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, अगर मेरे पास मेरे पापा का क्रेडिट कार्ड है तो मैं वो यूज़ कर नहीं सकता हूँ, डिपॉजिट पूरा कैश में दो या तो 700 यूरो। तो इतना लफड़ा हो रहा था, तो जब भी इतना लफड़ा हो फिर मैं पीछे हट जाता हूँ कि करना ही नहीं। मेन तो डिपॉजिट बहुत ज़्यादा था और फिर उसने जो कंडीशंस बताई वो मुझे ठीक नहीं लगी, तो फिर मैंने सोचा छोड़ो कभी और बाद में चलाएंगे राइट साइड पर कार, मौका मिला तो बहुत बढ़िया ज़िंदगी कभी ना कभी चलाएंगे। तो ये सब कारणों से मैंने कैंसिल कर दिया कार रेंट का और फिर मैं वापस आ गया बेलग्रेड बस स्टेशन पर। ये मेरे पीछे आपको बेलग्रेड बस स्टेशन दिख रहा है। तो अब मैं बताता हूँ मेरा प्लान क्या था। मेरा प्लान था कार रेंट करके तारा नेशनल पार्क जाने का, जो कि यहाँ का बहुत ही सुंदर पहाड़ी एरिया है। तो जाऊँगा तो वहीं पर, अब मैं बस से जाऊँगा। तो मैंने यहाँ पर टिकट ले ली, बाजीना बस्ता करके एक सिटी है जो तारा नेशनल पार्क के पास है, वहीं से जाते हैं सब लोग, तो वहाँ की मैंने ले ली है टिकट। इनिशियली बुरा लग रहा था पर फिर मैं सोचा जो हुआ अच्छा ही हुआ, क्योंकि बाद में मेरे लगा देता वो, क्योंकि सर्बिया कोई मुझे नहीं लगता इतनी कोई ट्रस्टवर्दी कंट्री है अभी तक। यहाँ पर बहुत सारे इंडियंस और इंडियंस के खिलाफ थोड़ी हेट है गवर्नमेंट को, क्योंकि इंडियंस यहाँ पर आते हैं और बस जाते हैं, यहाँ पर टूरिस्ट वीज़ा पर आते हैं और सेटल होने की कोशिश करते हैं या फिर दूसरे यूरोप के देशों में घुसते हैं यहाँ से। तो इंडियन पासपोर्ट पहले ही यहाँ पर थोड़ा हेट है, इंडियन पासपोर्ट के प्रति हेट तो नहीं बोलूँगा पर प्रॉब्लमेटिक पासपोर्ट है इंडियन पासपोर्ट सर्बिया के लिए। तो जो भी हुआ अच्छा ही हुआ, बाजीना बस्ता तो जा रहा हूँ मैं, जो होना था देखो होता है, वो तो कुछ बुरी चीज़ डाल दे ज़िंदगी ने तो उस बात के लिए खुश हूँ। और हमेशा मेरे साथ ऐसे ही होता है, कुछ चीज़ हो नहीं पाती है तो फिर बाद में एक दो दिन बाद लगता है कि अच्छा हुआ नहीं हुई थी, वरना ये वाला एक्सपीरियंस मिस हो जाता। तो ये ट्रैवलिंग का पार्ट है, आप जो प्लान करते हो वैसा होते ही नहीं, ज़्यादातर समय होता ही नहीं है, इसलिए प्लानिंग भी मैं बहुत ही कम करता हूँ। पर जिन चीज़ों की करता हूँ नहीं होता है तो भी इतना कुछ लोड लेता नहीं हूँ कि अच्छा हुआ नहीं हुआ, कुछ और लाइफ में लिखा हुआ है। तो जो भी जैसा भी, फिलहाल मैंने टिकट ले लिया बाजीना बस्ता की, एक घंटे बाद मेरी बस है। और टिकट के मैंने दिए 1460 दिनार, 3-4 घंटे का रास्ता है वो, पर इतनी महंगी टिकट लगी मुझे, मतलब करीबन 1000 रुपये मान लो आप मोटा मोटा बाजीना बस्ता के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा लगा मुझे सर्बिया के हिसाब से। ये कोई यूरोप शेंगेन कंट्रीज़ का तो वो नहीं है, तो बहुत महंगी टिकट लगी ये तो मुझे 1460 की। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे बस कोई सस्ती है नहीं। मुझे बेलग्रेड तो छोड़ना था आज, मुझे बेलग्रेड में कोई मज़े नहीं आ रहे थे, क्योंकि मैं कोई सिटी पर्सन हुई नहीं, मुझे सिटी घूमना पसंद नहीं है। वो तो ट्रैवल करने के लिए आपको सिटी आना पड़ता है, इसलिए हमेशा सिटी आ जाता हूँ और आसपास थोड़ा दिखा देता हूँ आप लोगों को, मैं भी देख लेता हूँ, पर मुझे सिटी में एक दिन से ज़्यादा बिताना पसंद है नहीं। बस में से आपको सफ़र दिखा दूंगा जैसे हर बार दिखाता हूँ, बस की खिड़की से हमेशा की तरह वैसे ही चलने वाला है। और हॉस्टल भी है बाजीना बस्ता में, लकीली बहुत अच्छी बात, और बहुत अच्छा हॉस्टल दिख रहा है फ़ोटो में। तो यहाँ पर मुझे एक भी ढंग का हॉस्टल नहीं मिला, दो हॉस्टल में रुका मैं दो रात, और दोनों वर्क फ्रॉम होम वाले हॉस्टल थे, क्राउड कोई टूरिस्ट था नहीं तो मज़ा आया नहीं वो वाला। पर अब मुझे अच्छा हॉस्टल एक दिख रहा है, पूरा नेचर के करीब है वो, तो मज़ा आने वाला है, क्योंकि पूरा एक्सपीरियंस डिपेंड करता है आपको हॉस्टल कैसा मिलता है, क्योंकि हॉस्टल से आपको लोग मिलते हैं और लोग से आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है। तो हॉस्टल पर हमेशा फोकस करो कि अच्छी लोकेशन पर होना है, कॉमन एरिया होना, मेन तो कॉमन एरिया रहता है जहाँ पर आप दूसरे लोगों से मिल सकते हो। तो हॉस्टल पर हमेशा मेरा ज़्यादा फोकस रहता है इसलिए, क्योंकि मुझे लोगों से मिलना पसंद है ट्रैवलिंग में, प्लेसेस ज़्यादा मुझे पीपल पसंद है। मिलते थे जब बस के अंदर, एक घंटा टाइम पास करता हूँ यहाँ पर, कुछ खा पी लूँगा, सुबह से कुछ खाया नहीं है, तो मिलते हैं फिर। बस में बैठ चुका हूँ, एक चीज़ बहुत बुरी लगती है कि बस रुकी मैं हूँ यहाँ की सर्बिया की और डिलीवरी में दोनों से कि लगेज के एक्स्ट्रा चार्ज होते और डिलीवरी में 1 यूरो देते थे और 60 दिन है लगेज के एक्स्ट्रा, ऐसा कुछ नहीं कि बड़ा अमाउंट है पर टिकट भी डाल दो ना कि मेरी स्कैन की एक चांस थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि बस में बोल सकते बाकी बस नहीं है। फिलहाल तो शहर से बाहर निकल गए हम लोग, बाकी बहुत एक्साइटेड है। तो बाजीना बस्ता में आप सभी का स्वागत है। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर, क्योंकि
बेलग्रेड तो शहर है और मैं शहरों से थोड़ा चिढ़ता ही हूँ। शहरों में इतना मज़ा आता नहीं है, मतलब सब शहरों में ट्रैवल नहीं होता है, शहरों में कल्चर नहीं है, शहरों में बस बिजनेस है। तो हर शहर सेम है, न्यू दिल्ली हो, न्यूयॉर्क हो, बेलग्रेड हो, तिराना हो, शहर में इतना मज़ा आता नहीं है। और अब थोड़े आउटर पर आ चुका हूँ सर्बिया के, और इतने आउटर पर कि बोस्निया यहाँ से बस एक रिवर दूर है, इतनी पास है बोस्निया, बोस्निया देश। फिलहाल मेरा हॉस्टल भी 600 मीटर दूर है, छोटा शहर है तो ज़्यादा दूर चलना नहीं पड़ेगा, फटाफट हॉस्टल पहुँचता हूँ। और बस की बात करूँ तो 4 घंटे 4 घंटे 15 मिनट लेगी और आपको यहाँ उतार देगी। बहुत घुमावदार रास्ते हैं, अच्छा हुआ हो सकता है मैंने कार रेंट नहीं करी, क्योंकि मैंने पहाड़ों में बाइक चलाई है, कार आज तक नहीं चलाई है। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है, उसका एक और बढ़िया उदाहरण मिल गया। और पूरे घुमावदार रास्ते हैं, बहुत सुंदर सीनरी दिखेगी आपको। मैं तो सोया क्योंकि इतना थक गया था, और ट्रैवल करते वक्त जब इतना लंबा ट्रैवल करते हो तो फिर जब भी आप ट्रेन बस में रहते हो तो नींद आती ही आती है, और मुझे तो जब चलती रहती गाड़ी तो नींद बहुत आती है। तो मैं सोया, फिर आखिरी में पूरा पर्पल स्काई दिख रहा था, वो बहुत खूबसूरत दिखा। तो फिलहाल पहुँचता हूँ हॉस्टल और कल एक्सप्लोर करेंगे तारा नेशनल पार्क।